अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्ला फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक तेल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया तेल है मछली को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कह सकते हैं कि ये फिश अट्रैक्टेंट है जो हर तरह की मछली को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, स्पेशली कार्प मछली को। तो इसके बारे में कुछ बताने या कुछ दिखाने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सब। तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे करके बनाया जाता है। ये एक फिश अट्रैक्टेंट है जो कि बेसिकली तेल होता है, और उसको कैसे बनाने का प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको ऐसा करना है कि बाज़ार जाना है, और जहाँ पर ही मछली बिकती है, मछली पट्टी या मछली का जहाँ पर ही बेचना होता है, वहाँ पर ही बड़े बड़े मछली काटते हैं तो उसके पेट की जो अतली पचौड़ी होती है, जिसके पेट का जो अंदर का ये होता है, तो उसको वो लोग फेंक देते हैं। तो वो आपको कलेक्ट करके, तकरीबन चिमकी भर करके कलेक्ट करके आपको लेके आना है घर में। धीमी आँच में आपको एक पतीला चढ़ाना है, एक कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद वो जो मछली का जो अतली पचौड़ी होता है मछली का, ठीक है, कोई भी मछली का हो, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी छोटी कोई भी मछली का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बड़ी मछली का ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसको आपको ला करके थोड़ा कढ़ाई में आपको सोयाबीन ऑयल डालना है, और डालने के बाद मिसाल के तौर पर 200 ग्राम 250 ग्राम सोयाबीन ऑयल डाल दीजिएगा, और वो जो आपने इतना जो पूरा एक चिमकी जो अतली आपने जमा किया पूरा कढ़ाई भर के डाल देना उसमें आपको धीरे धीरे, और उसको हल्की आँच में उसको पकने देना है। तो देखिएगा वो पकते 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 वो तेल छोड़ेगा, और तेल छोड़ते छोड़ते वो जो अतली है वो आस्ते आस्ते करके सुकड़ जाएगा, एकदम छोटा सा थोड़ा सा हो जाएगा, और वो तेल छोड़ते छोड़ते थोड़ा सा हो जाएगा। और ये गालिबन ये प्रोसेस में तकरीबन 2-3 घंटा लग जाता है। तो धीमी आँच में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसको धीमी आँच में ऑन अ लो हीट आपको इसको गर्म करते रहना है। तो वो आस्ते आस्ते अतली से बहुत सारा तेल निकलेगा और अतली सूख के थोड़ा सा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जिस तरह चुर्री पसाते हैं ना, पसाते हैं चुर्री, अगर आप जानते होंगे, जैसे खस्सी वगैरह का चुर्री होता है जो चर्बी वगैरह को तेल में डाल करके उसका चुर्री बनाते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोसेस का लगभग कुछ है ये जिसको आपको बनाना होगा। जब इसमें मुकम्मल तौर पर तेल निकल जाए और उसका अतली सुखड़ करके थोड़ा सा हो जाए, तो वो तेल को आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद वो अतली का जो छोटा छोटा सुखड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको फेंक देना है। सिर्फ तेल को आपको एक कांच के बोजाम में डाल करके इसको धूप में रख देना है तकरीबन 1.5 महीना। 1.5 महीना बाद ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। एयर टाइट जार में डाल करके इसको धूप में रख देना है तकरीबन 1.5 महीना। और 1.5 महीना बाद फिर क्या है दोस्तों, कोई भी टोप हो, कोई भी बेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल दीजिएगा, ये काफी है। इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी मछली इसमें आपको लगेगी, और ये एक तरह का फिश अट्रैक्टेंट है जो कि बहुत बड़ी बड़ी मछली को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है दोस्तों। तो लड्डू बेट भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी आप अगर 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो ये एकदम वंडर्स कर देगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। पर ध्यान रहे, लड्डू बेट में अगर आप कोई भी तरह का मीठा या खुशबू नहीं इस्तेमाल किए तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मीठा या खुशबू इस्तेमाल किया है तो इस चीज़ को ना इस्तेमाल करें। अगर आपने मीठा या खुशबू नहीं इस्तेमाल किया तो ये 2-3 ड्रॉप लड्डू में डालें और फेंके, तो देखिए इसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक छोटा सा टिप था जो मैंने चाहा कि आप तक पहुंचा दूं और आप तक शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ये बहुत ही अच्छा फिश अट्रैक्टेंट ऑयल है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, आप बाजार से जाकर के जो चीज़ फेंकने वाली वो ले आकर के आप थोड़ा सा सोयाबीन डाल करके उसको अच्छे से पकाएं तो काफ़ी तेल छोड़ेगा। उसको 1.5 महीना रखें और फिर इसको इस्तेमाल करें। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।